यदि पृथ्वी में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं तो वह है भारतवर्ष। मानव सभ्यता का प्राचीन और प्रथम राष्ट्र भारतवर्ष, वह है त्यागियों और सन्यासियों की भूमि, सीता सावित्री जैसी महान नारियों का देश। भारतवर्ष है धर्म और दर्शन, विज्ञान और साहित्य, शिल्प तथा ललित कलाओं का देश। ये वही भारत है जो शत शत शताब्दियों के आघात, विदेशियों के शत शत आक्रमण और सैकड़ों दुराचार सहकर भी अक्षय बना हुआ, पर्वत से भी दृढ़तर भाव से खड़ा है। इसका कारण है भारत की आध्यात्मिकता। इन सब आक्रमणों और दुराचारों से जब जब भारतवर्ष की संस्कृति और धर्म का अवक्षय हुआ है, तब तब महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की और लोगों को युगोपयोगी आदर्श दिखलाया है। 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन चल रहा था। पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का प्रभाव भारतीय समाज में नींव डाल चुका था। धर्म, संस्कृति आदि क्षेत्रों में भारत पथभ्रांत हो गया था। शिक्षण के अभाव और दरिद्रता के कारण आम जनता दुखी थी। ऐसी परिस्थिति में उस समय भारत भूमि में आविर्भाव हुआ युगावतार श्री रामकृष्ण परमहंस का, जिनके जीवन में भारत की सनातन आध्यात्मिकता प्रकाशित हुई थी। अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण के साथ में आए स्वामी विवेकानंद, उनके प्रमुख शिष्य और वार्तावाहक युगाचार्य के रूप में। मानव प्रेमी इन दोनों विभूतियों ने मनुष्यों की आध्यात्मिक चेतना जागृत करने और दैन्य दूर करने में अपना जीवन न्योछावर किया। सन 1886 में श्री रामकृष्ण की महासमाधि के उपरांत स्वामी विवेकानंद ने अपने सन्यासी गुरु भ्राताओं के साथ कुछ समय तक कोलकाता के वराहनगर स्थित मठ में अवस्थान किया। 1887 में वे परिव्राजक सन्यासी के रूप में देश भ्रमण करने के लिए प्रवृत्त हुए। उनका परिव्राजक जीवन चित्ताकर्षक और गूढ़ तात्पर्य से पूर्ण है। आपाततः ऐसा लगता है कि परिव्राजक जीवन का कारण था उनका प्रबल वैराग्य और निर्जन में तपस्या करने की परम व्याकुलता, लेकिन इसे ही एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता है। ये अपरिचित परिव्राजक सन्यासी ही परवर्ती काल में युगाचार्य स्वामी विवेकानंद हुए। शिकागो की धर्म महासभा में जिस सन्यासी के सुदृढ़ तेजोदीप्त कंठ ने भारत की शाश्वत वाणी की घोषणा की थी, उनका भारत के अंतरात्मा के साथ गहन परिचय परिव्राजक जीवन में ही हुआ था। उन्होंने 6 साल तक भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक अधिकतर पैदल चलकर भ्रमण किया। धन को स्पर्श तक नहीं करने का तथा अयाचक के रूप में विचरण करने का व्रत उन्होंने ग्रहण किया था। उस समय वे कभी विविदिशानंद, कभी सच्चिदानंद तो कभी विवेकानंद नाम से अपना परिचय देते थे ताकि अख्यात रह सकें। राजा के महल से लेकर दरिद्र की कुटिया तक का आतिथ्य ग्रहण किया और देश के कोटि कोटि लांछित पीड़ित लोगों के सानिध्य में आए। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से लेकर उन्होंने उसके इतिहास, शिक्षा दीक्षा एवं वर्तमान अधोगति के कारण का अनुसंधान किया। अखंड भारत के आध्यात्मिक रूप को उन्होंने देखा था, इसीलिए समझ गए थे कि पृथ्वी की सभ्यता के भंडार में आध्यात्म संपद ही भारत का अवदान है।
उनका उच्च आध्यात्मिक संपन्न प्रेमिक विशाल हृदय, एक और जनसाधारण की अज्ञानता और दुख से उद्वेलित हो उठा, तो दूसरी ओर गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन व्रत को पूर्ण करने की दिशा भी इस भ्रमण काल में ही मिली। इस भ्रमण के दौरान दूरवर्ती तीर्थों के दर्शन करने का संकल्प कर वे पहले वाराणसी धाम पहुंचे। हजारों साल प्राचीन ये शहर भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्मिकता का केंद्र तथा तपस्या के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। विश्वनाथ क्षेत्र में स्वामी जी ने एक सप्ताह तक वास किया था। विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा देवी के विग्रह का दर्शन कर तथा भगवान बुद्ध एवं शंकराचार्य के कीर्ति कलापों के स्मरण से उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रदीप्त हो गई थी। वाराणसी में घटित एक घटना उल्लेखनीय है। एक दिन स्वामी जी दुर्गा मंदिर से लौटते समय बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। स्वामी जी आत्मरक्षा के लिए दौड़ने लगे, बंदर भी उनका पीछा करते रहे। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, उन बंदरों के सम्मुखीन हो खड़े रहो। तत्पश्चात स्वामी जी को भयहीन देखकर बंदर भी क्षण भर के लिए रुक गए, फिर भाग गए। भविष्य में अमेरिका में एक भाषण में इस घटना का उल्लेख कर स्वामी जी ने इसका तात्पर्य कहा था कि प्रकृति के सम्मुखीन हो डटे रहो, संकटों के सम्मुखीन हो डटे रहो, कभी डरकर भागो मत। यही समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है। वाराणसी की यात्रा के बाद वे कोलकाता लौट आए, परंतु तपस्या करने की आकांक्षा से पुनः शीघ्र ही निर्गत हुए। इस यात्रा में वे श्री रामचंद्र के गुणगान से मुखरित अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के बाद वे लखनऊ पहुंचते हैं। यहाँ अवध के नवाबों की कीर्ति के साक्षी स्वरूप बागों, महलों और मस्जिदों को देखकर वे आनंदित हुए। लखनऊ से आगरा आने पर मुगल सम्राट शाहजहां की अक्षय कीर्ति स्वरूप ताजमहल, आगरा का किला आदि की अपूर्व स्थापत्य कला ने उन्हें आत्मविभोर कर दिया। स्वामी जी संपूर्ण ईश्वर निर्भरता का संकल्प लेकर 30 मीलों का रास्ता दंड कमंडलू तथा मात्र 2 पुस्तक को साथ में रखकर आगरा से पैदल चलकर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन से हरिद्वार होते हुए स्वामी जी ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ तपस्या के उपयुक्त वातावरण को पाकर वे विशेष आनंदित हुए और साधन भजन में उन्होंने अपने प्राण उड़ेल दिए। लेकिन वहाँ भीषण रूप से ज्वरग्रस्त होने के कारण उन्हें तीर्थ भ्रमण स्थगित करके कोलकाता लौटना पड़ा। सन 1889 के दिसंबर महीने के अंत में वे फिर तीर्थ दर्शन के अभिप्राय से निकल पड़े और वैद्यनाथ धाम पहुँचे। वहां से प्रयाग होते हुए गाजीपुर आए। वहां महात्मा पवहारी बाबा जी से ज्ञान लाभ करने की कामना से उनका संग किया था। गाजीपुर में निवास करते समय स्वामी जी से अनेक अंग्रेजों का वार्तालाप हुआ था। उनकी प्रतिभा तथा उनके ज्ञान की गंभीरता और व्यापकता से प्रभावित होकर एक जज साहब ने स्वामी जी से इंग्लैंड जाकर धर्म प्रचार करने का अनुरोध किया था। सन 1890 में फिर एक बार स्वामी जी हिमालय जाने के लिए प्रवृत्त हुए। इस यात्रा के दौरान भागलपुर, वैद्यनाथ, वाराणसी, अयोध्या और नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा पैदल पहुंचे। अल्मोड़ा की राह पर तीसरे दिन काकड़ी घाट नामक स्थान में एक झरने के किनारे ध्यानमग्न होने के वक्त स्वामी जी को आध्यात्मिकता तथा विज्ञान के समन्वय रूप एक महान सत्य की उपलब्धि हुई। उन्होंने यह अनुभव किया कि विश्व ब्रह्मांड और अणु ब्रह्मांड दोनों एक ही नियम से परिचालित होते हैं। अल्मोड़ा के निकट आकर स्वामी जी भूख और थकावट से अवसन्न होकर धरती पर लेट गए। निकट ही एक मुसलमान फकीर झोपड़ी में रहते थे। स्वामी जी की अवस्था देखकर उन्होंने एक खीरा लाकर खाने को दिया। इसे खाकर स्वामी जी ने काफी ताजगी का अनुभव किया। अमेरिका से लौटने के बाद अल्मोड़ा की एक जनसभा में उस फकीर को देखकर
स्वामी जी ने कृतज्ञता भरे हृदय से उन्हें बुलाकर उपस्थित लोगों के समक्ष उनका परिचय दिया था कि ये फकीर उनके प्राण रक्षक हैं। अल्मोड़ा वास के दरमियान उन्हें अपनी छोटी बहन की आत्महत्या की खबर मिलती है। इस दुखद घटना के माध्यम से भारतीय नारी की तदानीन्तन असहाय अवस्था का परिचय पाकर स्वामी जी अत्यंत व्यथित हुए थे। परवर्ती काल में हम देखते हैं कि नारी जागरण तथा नारी जाति की उन्नति के लिए स्वामी जी ने कार्य किया तथा देशवासियों को भी आवाहन किया है। क्रमशः वे नगाधिराज हिमालय की गोद में उपस्थित हुए। चांदी के समान धवल चिर हिम के आलय हिमालय की अपूर्व शोभा देखकर स्वामी जी के बचपन से ही संजोया हुआ स्वप्न साकार हो गया। उनका मन मानो उस समय प्रकृति के साथ समान सुर में बंध गया। रुद्रप्रयाग में 3 सप्ताह ठहरने के बाद स्वामी जी फिर श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में स्वामी जी ने अलकनंदा नदी के तट पर एक कुटी में आश्रय लिया। यहाँ वे गुरु भ्राताओं के साथ उपनिषदों के विवेचन में अधिक समय व्यतीत करते हैं। वहाँ उन्होंने प्रायः 1 महीना भिक्षाटन के सहारे जीवन यापन किया था। उन दिनों भागीरथी दर्शन के लिए स्वामी जी व्याकुल हो रहे थे, अतः उन्होंने टिहरी के लिए प्रस्थान किया। टिहरी में निर्जन गंगा तट पर भिक्षा करके ध्यान धारणा और शास्त्र विवेचन में कुछ दिन व्यतीत किए। 3 सप्ताह देहरादून में ठहरने के बाद स्वामी जी ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में चंडेश्वर महादेव के मंदिर के सन्निकट पर्ण कुटीर में आश्रय लिया तथा भिक्षान्न से उदरपालन और गंगावारी से प्यास मिटाते हुए हिमालय के पदप्रांत में स्थित इस सुप्राचीन तपोभूमि में भगवत चिंतन में निमग्न हो गए। स्वामी जी की तपस्या कामना ने मानो तृप्ति का मार्ग ढूंढ लिया था। हिमालय से प्रस्थान पूर्व स्वामी जी हरिद्वार तथा सहारनपुर होते हुए मेरठ पहुंचे। मेरठ में स्वामी जी अन्य गुरु भ्राताओं के साथ एक सेठ जी के बगीचे में ठहरे। अब स्वामी जी ने अपने व्रत संपादन के लिए निस्संग जीवन यापन करना उचित समझा और सबको छोड़ वहां से फिर अकेले निकल पड़े। मेरठ के उपरांत स्वामी जी ने हिंदू मुस्लिम युगों की अनेक स्मृतियों से जुड़ी इतिहास प्रसिद्ध महानगरी दिल्ली में पदार्पण किया। अति प्राचीन हमारी सभ्यता तथा संस्कृति विभिन्न धाराओं के मिलन से वृद्धिशील रही है और अविनश्वर भी। यह सत्य स्वामी जी की ऐतिहासिक चेतना में प्रकाशित हुआ। वे अब दिल्ली और उत्तर भारत को छोड़कर इतिहास की क्रीड़ा भूमि, सौंदर्य का लीला क्षेत्र, राणा प्रताप की मातृभूमि तथा राजपूत सदियों के रक्त से दीपित वीर प्रसविनी राजस्थान की ओर अग्रसर हुए। प्राचीन काल में ऋग्वेदों में राजस्थान का उल्लेख है मत्स्य राज्य के नाम से। इस प्रदेश की संस्कृति, प्रभावशाली लोक संगीत, नृत्य, सुंदर महलों, किलों तथा मंदिरों से समृद्ध है। स्वामी जी सन 1891 में अलवर पहुंचे। अलवर में हम स्वामी जी को पूर्ण आचार्य के रूप में देखते हैं। वहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के अनेक लोगों के मन में धर्म प्रेरणा उत्पन्न की तथा अंग्रेजी भावापन्न मूर्ति पूजा में अविश्वासी अलवर महाराजा की मति गति में परिवर्तन लाया। अलवर से स्वामी जी जयपुर पहुंचे। जयपुर छोड़कर स्वामी जी अजमेर आते हैं। अजमेर हिंदू और मुसलमानों के कीर्ति कलापों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अकबर का महल, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह, अजमेर का पुष्कर तीर्थ, सावित्री मंदिर और ब्रह्मा के मंदिर का दर्शन किया। इसके उपरांत स्वामी जी आबू पर्वत की ओर चले। आबू पर्वत में 13वीं शताब्दी में निर्मित नयनाभिराम, अतुलनीय श्वेत संगमरमर द्वारा निर्मित दिलवाड़ा जैन मंदिर का दर्शन किया। अन्यान्य स्थानों की तरह आबू में भी स्वामी जी के गुणों से अनेक भक्त आकृष्ट हुए। आबू पर्वत पर स्वामी जी
वैलीज वॉक नामक रास्ते में संध्या भ्रमण के लिए निकलते थे तथा चंपा नामक एक निर्जन गुफा में रहकर उन्होंने तपस्या भी की थी। इसी रास्ते से राजा के एक मुसलमान वकील गुजर रहे थे। स्वामी जी को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हुए और अपने बंगले में रहने के लिए आमंत्रित किया। स्वभाव से उदार और निंदा से परे स्वामी जी ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। इस बंगले में ही स्वामी जी की मुलाकात खेतड़ी नरेश अजीत सिंह से होती है। खेतड़ी नरेश के सादर आमंत्रण पर खेतड़ी जाकर उनका आतिथ्य ग्रहण किया था। यहाँ स्वामी जी ने राजा के साथ सिर्फ राजभवन में ही दिन व्यतीत नहीं किए थे, वे दीन दरिद्र भक्त प्रजागण के घर भी अक्सर जाया करते थे। राजा ने स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था और स्वामी जी के परामर्श अनुसार प्रजा की उन्नति तथा शिक्षा के लिए विविध उपाय किए थे। खेतड़ी में 3 महीने रहने के बाद स्वामी जी अजमेर होते हुए अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात का इतिहास ईसवी पूर्व लगभग 2000 वर्ष पुराना है। विशाल सागर तट वाले इस राज्य में इतिहास युग के आरंभ होने से पूर्व ही अनेक विदेशी जातियां स्थल और समुद्र मार्ग से आकर स्थायी रूप में बसी हैं। अहमदाबाद, जिसका नाम पहले कर्णावती था, बाद में मुसलमान सुल्तानों की राजधानी बना था। जैनों के समुत्थान काल में यह शहर अनेक सुंदर जैन मंदिरों तथा मुसलमानों के शासनकाल में अनेक मनोहारी मस्जिदों और मकबरों से सुशोभित हुआ। स्वामी जी ने इन कीर्ति चिन्हों का अवलोकन किया तथा जैन पंडितों से चर्चा कर जैन धर्म और दर्शन में अपने ज्ञान भंडार को और समृद्ध किया। इस प्रकार कुछ दिन बाद स्वामी जी सौराष्ट्र के अंतर्गत वधवान पहुंचे और वहां के प्रसिद्ध राणक देवी के मंदिर का दर्शन कर लिमड़ी की ओर चले। लिमड़ी में शुरू में द्वार द्वार भिक्षाटन द्वारा जीवन व्यापन किया। लिमड़ी नरेश ने, जिन्होंने पश्चिमी देशों में भ्रमण किया था तथा सनातन धर्म में आस्था संपन्न थे, स्वामी जी को पश्चिम जाने का अनुरोध किया था। स्वामी जी का शिष्यत्व भी ग्रहण किया था। वर्तमान में राजप्रासाद में रामकृष्ण मिशन का एक केंद्र स्थापित हुआ है। लिमड़ी में कुछ दिन बिताकर स्वामी जी भावनगर तथा सीहोर होते हुए जूनागढ़ पहुंचे। विख्यात संत कवि नरसिंह मेहता इस शहर के निवासी थे। जूनागढ़ आकर उन्होंने उस राज्य के दीवान श्रीयुत हरिदास बिहारी दास देसाई के घर आतिथ्य ग्रहण किया था। स्वामी जी के वार्तालाप एवं व्यवहार से दीवान जी इतने मोहित हो गए थे कि वे नित्य तीसरे प्रहर राज्य के उच्च पदाधिकारियों के साथ स्वामी जी के पास बैठकर देर रात तक धर्म चर्चा तथा इतिहास, विज्ञान चर्चा, कला चर्चा, संगीत चर्चा इत्यादि किया करते थे। स्वामी जी भी हरिदास जी के प्रति विशेष श्रद्धावान थे। दोनों में जो मित्रता स्थापित हुई थी वह आजीवन निर्बाध रूप से बनी रही। अमेरिका से भी स्वामी जी उन्हें नियमित रूप से अनेक तथ्यपूर्ण प्रेरणादायी पत्र लिखा करते थे। हिमालय में स्वामी जी को हमने आत्मज्ञान निष्ठ सत्यदृष्टा ऋषि के रूप में देखा है। अलवर में उनका गुरुभाव यथार्थ रूप से प्रस्फुटित हुआ था। खेतड़ी में वे धर्म जीवन के साथ पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय करने में तथा शिक्षा का विस्तार करने को तत्पर थे। इनके व्यक्तित्व का अपूर्व विकास जूनागढ़ में अब हुआ था और पूर्वोक्त सब वैशिष्ट के अतिरिक्त